नीरज जी, लेकिन एक महत्वपूर्ण सवाल जो गौरव वल्लभ ने उठाया आरोप के तौर पर कि कांग्रेस पार्टी जब जाति जनगणना पर इतना ज्यादा बोलती है और इतना ज्यादा समर्थन करती है, मैनिफेस्टो भी आने वाला है उस पर भी है कि कुछ ना कुछ आएगा, तो फिर हिंदू विरोधी का परसेप्शन क्यों इस बात को लेकर घूमते? राहुल गांधी भी मंदिर मंदिर जा रहे हैं, तो ये परसेप्शन को क्यों आगे बढ़ा रही? ये जो बॉन्ड स्वीकृति पर सवाल उठाए गौरव वल्लभ की बात सुन रहा था। निधि जी, शलभमणि जी तब से आस्था की बात कर रहे हैं ना। मैं मिथिला से आता हूँ, माँ जानकी की जन्मभूमि से। 12 अप्रैल 2017 को केंद्रीय मंत्री महेश शर्मा ने क्या कहा था सदन के अंदर कि माँ सीता का कोई अस्तित्व नहीं है और राम के राम होने में सीता जी का क्या योगदान है, उसके ऊपर इनसे जवाब लेंगे। और इनकी नासमझी पर तो मुझे हंसी आती है। ये क्या कह रहे हैं कि राहुल गांधी पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं, जिसकी दादी ने इस देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दे दिया, जिसके पिता के चीथड़े उड़ा दिए गए इस देश के लिए, आप उसके बारे में ऐसी बात बोलते हैं? और क्या कह रहे हैं 370 हटने के बाद कश्मीर में क्या हुआ? सत्यपाल मलिक के सवाल भूल गए शलभमणि त्रिपाठी? कहां है आज वो देवेंद्र सिंह? वो कैसे 300 किलो आरडीएक्स घूम रहा था कश्मीर में? ऐसी बातें मत करिए जिस पर आप जवाब ना दे पाए। हम लोग आपसे सीधी सीधी बात कर रहे हैं, जवाब देना चाहता हूं। राजनीति के अंदर आप नीति पर बात कीजिए, देश को बरगलाइए मत। आप अपने वोट पर काम कीजिए, वोट से ज्यादा मांगेंगे तो देश की जनता आपको 400 किलोमीटर पार भेज देगी और बोल देगी कि दोबारा यहां मत घुसिएगा। कांग्रेस को सनातन का श्राप ले डूबेगा, ये आचार्य प्रमोद कृष्णम ने भी कहा था जब कांग्रेस पार्टी से नाता तोड़ा था। संगीत रागी जी, आपको लगता है कि राम लला के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम और उस पर कांग्रेस पार्टी का स्टैंड जो रहा, वो नेताओं के पार्टी छोड़ने की एक बड़ी वजह? वाकई सनातन के सम्मान में ये तमाम नेता आगे आ रहे हैं, लगता क्या आपको? नहीं, मैं ये तो नहीं मानता कि ये इन नेताओं का जो पार्टी छोड़ करके आ रहे हैं सिर्फ सनातन के सम्मान के लिए आ रहे हैं। देखिए, कांग्रेस एक विचारहीन और विचारधारा विहीन पार्टी है। आज के दिन में वो नेतृत्व विहीन भी पार्टी है। और कांग्रेस के बारे में जो लोग ये कहते हैं कि वो विचारधारा उसको जोड़ करके रखती है, मुझे लगता है वे बड़े नासमझ हैं। जो पार्टी का आधार था वो मूलतः सत्ता का आधार था। सत्ता ही वो लाशा था, ग्लू था, जिसके कारण वो चिपके हुए थे। आज कांग्रेस अपने राजनीतिक यात्रा के सबसे न्यूनतम स्तर पर है, पतन के न्यूनतम स्तर पर। मुझे नहीं लगता है कि 40 से ज्यादा सीटें कांग्रेस को इस बार आए। पिछली दफा जो है वो 23 सीटें तो जो है वो पंजाब और केरला मिलाकर के आया था, 31 सीटें जो है वो मिलाकर के तमिलनाडु को मिलाकर के आया था। ये तीनों जगह कांग्रेस बहुत अच्छा नहीं करने जा रही है। वैसी स्थिति में कांग्रेस अपने हार के न्यूनतम स्तर पर आने वाली है। ऐसे में जो लोग कांग्रेस में थे उनको लगता है कि राहुल गांधी जो है वो एक ऑटो इम्यून डिजीज, जैसे कांग्रेस के अंदर होता है ऑटो इम्यून डिजीज में होता क्या है, सेल अपने ही सेल को खाना शुरू कर देती है। राहुल गांधी एक माँ जैसे कहते हैं कि धृतराष्ट्र ने अपने दुर्योधन के हक में पूरा हस्तिनापुर का सत्यानाश, पूरा कुरुवंश खत्म कर दिया। रावण अपने हक में पूरा लंका का विनाश कर दिया। श्रीमती सोनिया गांधी अपने पुत्र मोह में और पुत्र के हक में पूरे कांग्रेस के विनाश का रास्ता उन्होंने अपना लिया है। नतीजा यह है कि कोई भी कांग्रेस में नए सिरे से सोचने के लिए अल्टरनेटिव डिस्कोर्स के लिए आप तभी जीत सकते हैं जब आप बता सके जनता को। ठीक है संगीत जी, एक बड़ी बात जो मेजॉरिटी में निकलकर सामने आई है इस बहस में, एक बड़ी बात जो निकलकर सामने आ रही है, जो भी नेता कांग्रेस छोड़ रहा है वो कांग्रेस पर दिशाहीन होने का आरोप लगा रहा है कि डायरेक्शन लेस है कांग्रेस। कोई भी नेता जो छोड़ रहा है उसमें फेरिस्त लंबी है, हमने नेताओं के नाम भी बता दिए।